हेलो भाई, मैं हूँ मोहम्मद आजम। तो आज हम देखने वाले हैं MG हेक्टर मिल जाएगी भाई। इस टाइम हम खड़े हैं अपने मोरिसस गैराज पर, जो हमें पड़ जाता है कांट रोड के अंदर। भाई अगर गाड़ी के लुक की बात करें, हमारा प्लस वाला मिल जाता है, MG हेक्टर प्लस करके आता है। की बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले जो की देखने के लिए मिलती है, कुछ हमें ऐसी की मिल जाती है, इसमें लॉक अनलॉक आता है, बूट खोलने के लिए आता है। भाई अगर हम की गाड़ी के पास लेकर पहुँचते हैं, कुछ ऐसे मैं गाड़ी के पास की लेकर पहुँचूंगा, गाड़ी ऑटोमेटिक हमारी अनलॉक हो जाती है। साइड मिरर से आप पहचान कर सकते हैं, ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाती है। भाई अगर इसके प्राइस की हम इस टाइम यहाँ बात कर लेते हैं, भाई जो इसका एक्स शोरूम प्राइस हमें पड़ेगा मोरिसस गैराज पर, जो हम कांट रोड पर खड़े हैं, भाई 21,95,000 का हमें इसका एक्स शोरूम पड़ता है। यहीं पर अगर ऑन रोड की बात कर लेते हैं भाई, 25,75,000 में हमें ऑन रोड पड़ता है। भाई एक्स शोरूम हर कहीं का सेम होता है, बट जो चेंजेस होती है हमारे ऑन रोड में चेंजेस हो जाती है। फ्रंट से बात करते हैं भाई, ओवरऑल गाड़ी के लुक की, तो कुछ हमें ऐसी ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है, MG का लोगो वगैरह मिलता है। भाई गाड़ी में हमें एडास वगैरह फीचर सब मिल जाते हैं। हमारे सामने खड़ा है टॉप वेरियंट सर्वे प्रो करके आता है हमारा, 1.5 करके CVT टर्बो इंजन के साथ में आता है, पेट्रोल इंजन है भाई, ऑटोमेटिक के साथ में आएगी। जो इंजन देखने के लिए इसमें हमें मिलेगा 1451 CC फोर सिलेंडर इंजन मिल जाएगा, जो जनरेट करेगा 141 BHP 250 Nm का टॉर्क हमें निकाल के देता है। ओवरऑल भाई अगर फ्रंट से बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ 360 कैमरा इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, लोगों के ठीक नीचे भाई इसमें आपको कैमरा मिलता ही है। ग्रिल की बात करें भाई, इस पर छोटे छोटे टचेज जो हमारे क्रोम के साथ में मिल जाते हैं। ओवरऑल फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर यहाँ देखने के लिए इसमें मिले जाते हैं, दो पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। एडास वगैरह जो आएगा भाई, उसका सेंसर आपको ऊपर मिल जाता है विंडशील्ड के ऊपर देखने के लिए। लाइट की बात कर लेते हैं भाई, इंडिकेटर DRL हमें मिल जाती है 2-in-1, इसी में आपको इंडिकेटर मिलेगा, इसी में आपको DRL मिल जाती है। नीचे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे इसमें आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है, लो बीम और हाई बीम आपको दोनों प्रोजेक्टर के साथ में देखने के लिए मिलेगा। और नीचे इसमें कंपनी फॉग लैंप भी अपने जरूर से देती है, थोड़ा क्रोम का पार्ट हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल अगर नीचे बढ़ते हैं, स्पोर्टी स्क्रिप्ट प्लेट को जितनी देखने के लिए मिली जाती है, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा, 192 mm का हमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल अगर साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, कुछ ऐसे लुक में हमें निकल कर आ ही जाती है। अगर भाई टायर की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें आपको फोर्ड डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे, गुडियर का इसमें टायर मिलता ही है, डायमंड कट अलाउ व्हील के साथ में आएगा, डुअल टोन के साथ में। जो प्रोफाइल रहेगी भाई, 215/55 R18 इंच का हमें टायर देखने के लिए मिल जाता है। भाई क्लेडिंग जो है हमें पूरी गाड़ी पे देखने के लिए मिली जाती है। ओवरऑल साइड मिरर की ओर बढ़ते हैं भाई, सिक्वेंशियल इंडिकेटर के साथ में आएगा, 360 कैमरा आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, उधर भी मिलेगा, पीछे मिल जाता है, फ्रंट में मिल जाता है, चार इसमें आपको कैमरे मिल जाते हैं। डोर पर बात करते हैं भाई, किलस एंट्री मिलेगा, रिक्वेस्ट सेंसर वाला डोर हमें देखने के लिए यहाँ मिल जाता है। भाई हमें फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलेगा, 60 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक हमें देखने के लिए मिल जाता है, पेट्रोल इंजन है हमारा ये। भाई रियर में उड़ते हैं भाई, रियर वाइपर मिल जाता है, डिफोगर मिल जाता है, हाई स्पीड माउंट मिलता है, सार्फिन एंटीना जो है आपको ऊपर देखने के लिए मिलता है, पैनोरमिक सनरूफ भी आपको देखने के लिए इसमें मिल जाता है। उसी के साथ में भाई इसमें पूरी कनेक्टिंग आपको रियर लाइट यहाँ देखने के लिए ओवरऑल मिल जाती है। नीचे आपको हेक्टर की बेजिंग मिल जाती है, MG का जो है लोगो हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे भाई आपको रिवर्स कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है, बाकी 360 कैमरा वगैरह वो आपको मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा। बाकी जो प्लस करके आता है भाई, उसकी बेसिंग आपको यहाँ देखने के लिए मिली जाती है। रियल लाइट जो रहेंगी भाई, पूरी आपको LED बेस्ड मिलती है। अगर मैं देखो अनलॉक या गाड़ी को करता हूँ, तो इसमें इंडिकेटर कुछ ऐसा वर्क करता है, बाकी ओवरऑल लाइट आपको ऐसे देखने के लिए यहाँ मिली जाती है। और नीचे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पर आपको रिवर्स देखने के लिए मिल जाता है, बाकी रिफ्लेक्टर वगैरह इसमें नहीं मिलता देखने के लिए। चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4। ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बताई दिया, 192 mm का हमें देखने के लिए मिलता है। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं भाई, तो बूट आप यहीं से भी खोल सकते हैं। देखो भाई ये फॉर्चुनर वाला रुतबा हमारा MG के अंदर भी निकल गया था, ऑटोमेटिक जो है हमारा बूट अनलॉक हो जाता है। इसमें बूट स्पेस की बात करें भाई, 7 सीटर तो हमें देखने के लिए मिली है, 587 लीटर का भाई बूट स्पेस मिल जाता है देखने के लिए। स्पेयर व्हील वगैरह मेरा नीचे मिलता है, बाकी यहाँ पे इसके पाने वगैरह जो भी MG की तरफ से हमें टूल्स मिलते हैं, वो हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। बोर्ड में भाई नाइट लैंप आपको यहाँ देखने के लिए ओवरऑल मिल जाता है गाड़ी के अंदर। बाकी भाई बूट देखो ऑटोमेटिक बंद होता है, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ ऑटोमेटिक बंद होता रहेगा हमारा बूट पूरा। कलर की बात कर लेते हैं भाई, ब्लैक कलर तो हमारे सामने खड़ा ही है, बाकी रूफ रेल्स वगैरह आपको ऊपर देखने के लिए हम मिली जाती है गाड़ी पे। साइड मिरर भाई इधर भी आपको देखो कैमरे के साथ में आता ही है देखने के लिए। अब चलो गाड़ी में अंदर से दिखाता हूँ मैं, अंदर से हमें क्या क्या इसमें देखने के लिए मिल जाता है। जो भाई डोर है देखो, इस पर कीलेस एंट्री, भाई की पास में आती गाड़ी ऑटोमेटिक अनलॉक तो हमारी हो ही जाती है। सबसे पहले भाई इस पर आप 10 कलर में जो हमें डैशबोर्ड वगैरह देखने के लिए मिलता है, ओवरऑल कुछ ऐसा डैशबोर्ड 10 कलर के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। भाई जैसे हम गाड़ी में अंदर बैठते हैं, सबसे पहले आप यहाँ एम्बिंग लाइटिंग इसमें देख लो, यहाँ इसमें लाइट वगैरह एम्बिंग मिली जाती है देखने के लिए। ओवरऑल पूरा स्टीयरिंग व्हील हमें कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता ही है। ओवरऑल अगर इसके हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं, पूरा हमें डिजिटल देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। बाकी डोर खुला हुआ तो इसमें सो हो ही जाता है, बाकी रेंज वगैरह जो भी है सब आपको इसी में सो हो जाती है, फ्यूल की इन्फो वगैरह, इंजन हीट वगैरह सब आपको यहीं से होता है। स्टीयरिंग पे भाई इधर अगर कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं, तो हमारी जैसे जर्मन कंपनी है, तो यहाँ पे आपको क्रूज वगैरह मिल जाते हैं, मीटर के कंट्रोल आपको यहीं देखने के लिए मिलते हैं। इधर बढ़ते हैं भाई, तो इधर हमारे स्टीरियो कंट्रोल हमें मिल जाते हैं देखने के लिए। भाई 14.1 इंच का हमें जो है इसमें डिस्प्ले देखने के लिए मिली जाती है। कंट्रोल्स की बात करें, सब आपको इसी में देखने के लिए मिल जाते हैं टच स्क्रीन के अंदर। बाकी AC का जो कंट्रोल्स मिलेंगे, वो आपको सब यहीं से देखने के लिए मिल जाते हैं, ऑन ऑफ आप यहीं से कर सकते हैं पूरी गाड़ी में। ऑटोमेटिक हमें AC मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC इसमें देखने के लिए।
बाकी भाई जो 10 कलर में इसका डैशबोर्ड है आप देख सकते हैं, इतना प्रीमियम सा हमें देखने के लिए मिल जाता है। एयरबैग की बात करते हैं, हमें 8 एयरबैग इसमें देखने के लिए ओवरऑल मिले जाते हैं। बाकी डैशबोर्ड भाई पूरा सॉफ्ट टच के साथ में आएगा। यहाँ पे जो एमजी की तरफ से भाई काफी बारीकी से काम हुआ गया है, यहाँ पे आप स्टिचिंग वगैरह देख सकते हैं। बाकी पूरा डैशबोर्ड तो आप देख ही सकते हैं भाई। यहाँ अगर एसी वेंट की हम बात करते हैं तो इसमें छोटा बहुत बारीकी से काम हुआ गया, जो हमें ग्रे के साथ में देखने के लिए मिल जाता है। पियानो ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, ग्रे का मिल जाता है, 10 कलर का जो है मिल जाता है। ओवरऑल अगर यहाँ बात करते हैं भाई वायरलेस, इसमें आपको चार्जर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ऑटोमेटिक में आएगी हमारी, पेट्रोल इंजन है, टर्बो इंजन के साथ में मैंने आपको बताया ये। बाकी ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट के पार्किंग सेंसर आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। रियर के जो भाई एसी वेंट है वो आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी अगर आर्म रेस्ट की बात करें भाई, इतना बड़ा इसमें आर्म रेस्ट देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। और भाई यहाँ पर कप होल्डर की जगह मिल जाती है, स्लाइड अप के साथ में आता है, आप की रख सकते हैं जो भी आपको अपना सामान वगैरह रखना हो। हजार लाइट का जो ऑप्शन है भाई वो आप यहीं से जला सकते हैं, हजार लाइट जो भी इसमें आपको ऑन करनी है। बाकी यहाँ पे सो ही जाती है हमारी इसमें ऐसे। ओवरऑल अगर ग्लब बॉक्स की बात कर लेते हैं भाई, इतना बड़ा इसमें ग्लब बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। IRVM की बात करते हैं भाई, पूरा आपको ऑटो डिविंग के साथ में मिल जाता है। अगर पीछे से गाड़ी नाइट में आती है तो ऑटोमेटिक में ऑटो डिविंग इसीलिए कहा जाता है इसको। बाकी सनग्लास होल्डर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। रूफ में जो लाइट रहती है भाई व्हाइट LED के साथ में हमें मिलती है। जनरली अब कंपनी येलो पे जी रही है, बट यहाँ पर कंपनी MG हमारी व्हाइट के साथ में आ गई है। वाइजर पर बात करते हैं भाई, इधर भी आपको मिरर और लाइट दोनों देखने के लिए मिल जाती है को पैसेंजर साइड। अगर ड्राइवर साइड बात करते हैं भाई, इधर भी आपको दोनों चीज देखने के लिए मिल जाती है। बाकी यहाँ पर टिकट होल्डर भी हमें जरूर से देखने के लिए मिल जाता है भाई। पैनोरामिक सनरूफ आपको आएगा देखने के लिए, कर्टन जो हमारा पीछे चला ही जाता है इसका भाई। पैनोरामिक सनरूफ आता है जो खुलता है, हमारा आधा पार्ट खुलता है। बाकी पीछे का जो आपका व्यू देखने के लिए मिल जाता है, कर्टन आप यहीं से कर सकते हैं। बाकी बंद करने के लिए आपको बटन इसका यहीं देखने के लिए मिल जाता है। बाकी माइक वगैरह आपको यहीं मिल जाते हैं, जो इसमें एलेक्सा वगैरह आता है वो भी आपको यहीं देखने के लिए इसमें मिलता है। इधर बात कर लेते हैं भाई, इंजन स्टार्ट बटन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ऑटोमेटिक में तो आपको दो ही पैडल मिलते हैं, एक्सीलेटर मिल जाता है, ब्रेक मिल जाता है। बाकी साइड मिरर जो है आप यहीं से एडजस्टेबल कर सकते हैं, फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। भाई भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की आप जो है लाइट यहीं से कम ज्यादा कर सकते हैं। देखो ब्राइटनेस जिस भाई को भी कम ज्यादा करनी है तो उसके लेवल के लिए आपको यहीं देखने के लिए मिल जाता है। बाकी बूट आप यहीं से भी ओपन कर सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिक बूट मैंने आपको दिखाई दिया। बाकी फ्यूल की डोर बोनट आप यहीं से खोल सकते हैं। अगर डोर पर बढ़ते हैं भाई तो कुछ इतना बड़ा हमें यहाँ डोर देखने के लिए मिल जाता है। स्पीकर जो वो हमें नीचे मिलता है और ट्विटर भी इसमें देखने के लिए मिल जाता है। इन्फिनिटी का इसमें स्पीकर आता ही देखने के लिए भाई। चारों विंडो इसमें आपको पावर यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। फर्स्ट जो रहेगी वो आपको ऑटो के साथ में आती है। बाकी लॉक अनलॉक आप गाड़ी यहीं से कर सकते हैं। सॉफ्ट टच का जो मटेरियल है भाई पूरा आपको डोर पे दिया गया है। बाकी स्ट्रेचिंग वगैरह यहाँ भी पूरी इसमें दी गई है। डुअल टोन में भाई इसका जो है हमारा डोर देखने के लिए मिल जाता है। सीट की बात करते हैं भाई, फ्रंट में सीट आपको वेंटिलेटेड के साथ में इसमें देखने के लिए मिल जाती है। 10 कलर का डैशबोर्ड वगैरह मैंने ये आपको दिखाई दिया है पूरी चीज। सेकंड डो में ले चलता हूँ भाई, सेकंड डो में स्पेस कितना मिल जाता है, इस सीट को मैं अपने हिसाब से एडजस्टेबल कर लेता हूँ भाई। पूरी हमें इलेक्ट्रिक यहाँ देखने के लिए इसमें मिल जाती है। सेकंड रो में आ चुके हैं। अगर बात करें भाई इसमें जो हमें कैप्टन सीट देखने के लिए मिल जाती है, 6 सीटर वाला ऑप्शन है ही। फ्रंट में पूरा आपको मैंने डैशबोर्ड दिखाई दिया है। स्पेस की बात करते हैं भाई, देखो लेग रूम गाड़ी में हमें काफी देखने के लिए मिल जाता है। मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, उस हिसाब से भाई काफी इसमें लेग रूम देखने के लिए मिलता है। अगर हेड रूम की बात कर लेते हैं तो भाई हेड रूम भी हमें काफी देखने के लिए मिल जाता है। आप देख सकते हैं काफी स्पेस इसमें बच जाता है। बाकी यहाँ आर्मरेस्ट भी इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। कैप्टन सीट अगर हमें पीछे आना तो भाई आप यहीं से इसमें जा सकते हैं। यहाँ कोई भी हम्प वगैरह हमें देखने के लिए नहीं मिलता, बट यहाँ थोड़ा हम्प जरूर से मिल जाता है देखने के लिए। एसी वेंट की बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पूरा आपको कुछ ऐसे एसी वेंट मिलते हैं। और नीचे बढ़ते हैं, इसमें आपको एक USB का सॉकेट मिल जाता है। बाकी स्पीकर्स वगैरह भाई आपको सेकंड रो में मिल जाते हैं। ट्विटर भी आपको देखने के लिए जरूर से मिल जाते हैं। बाकी भाई लुमिनेट जो मिलेगा हमें सॉकेट इसका देखने के लिए मिल जाता है, विंडो अप डाउन करने का। पीछे लेके चलूं भाई इसका थर्ड रो में, स्पेस में आपको दिखाता हूं तो हमें जो जाना है भाई यहीं से आप जा सकते हैं इसमें थर्ड रो में भी चलकर। बाकी भाई देखो स्पेस, देखो थर्ड रो में जैसा हम आ चुके हैं तो आराम से इसमें 3 बंदे भी बैठ सकते हैं, थोड़े कम बैठ के हुए तो। बाकी स्पेस भाई ठीक है, जैसे हाइट ठीक है मैंने आपको दिखाया। लेग रूम देखो भाई काफी मिल जाता है, बट सीट जो है थोड़ी हमारी नीचे कर गए तो यहाँ पे जो हमारी टांगे वगैरह उठी जरूर से रह जाती है। दो का फोल्डर आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ भी भाई आपको जो फोन चार्ज करने के लिए USB का सॉकेट जरूर से मिल जाता है। थर्ड रूम भाई AC वेंट इसमें देखने के लिए ओवरऑल मिलते ही। अगर यहाँ पे हेड रूम की बात करूँ तो भाई यहाँ हेड रूम ये काफी देखने के लिए इसमें मिल जाता है। थर्ड रूम उस हिसाब से भाई काफी हेड रूम जो है गाड़ी के अंदर कंपनी ने दे रखा है। ओवरऑल भाई पूरा कुछ ऐसा आपको डैशबोर्ड वगैरह मिलता ही है। यहाँ बात कर लेते हैं भाई, यहाँ आपको लाइट भी जरूर से देखने के लिए मिल जाती है, जो हमारी व्हाइट LED के साथ में आएगा। नहीं तो जर्नली कंपनी जो होती है वो येलो के साथ में देती है, बट यहाँ पे MG हमें व्हाइट जरूर से देती है। इधर जो आता है भाई हमारे इसके फैन कंट्रोल करने के लिए आ जाता है। कम ज्यादा जो भी आपको चाहिए आप यहीं से कम ज्यादा कर सकते हैं। बाकी सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह फीचर्स भाई गाड़ी में काफी मिल जाते हैं, बट जो भाई कंपनी ने जो इसमें स्क्रीन चेंज करी है भाई ये काफी प्रीमियम इसमें देखने के लिए हमें लगती ही है। ओवरऑल चलो बाहर से एक बार और फाइनल लुक में आपको गाड़ी के दिखा देता हूँ कैसे मिल जाते हैं भाई। यहाँ पे MG की वेलकम प्लेट भी हमें जरूर से देखने के लिए मिल जाती हैं।
ओवरऑल जो भाई ब्लैक कलर में साइड प्रोफाइल गाड़ी की निकल कर आ रही है भाई, एक नंबर प्रोफाइल हमारी निकल कर आती है। देखो गाड़ी से दूर आती है गाड़ी हमारी ऑटोमेटिक लॉक वगैरह हो जाती है, पास जाती है ऑटोमेटिक अनलॉक। भाई देखो सेकंड डो में भी हमें डिस्क ब्रेक फोर डिस्क ब्रेक के साथ में आ ही जाती है देखने के लिए। बाइक क्लीनिंग वगैरह पूरी पे है ही, मैंने आपको दिखाई दिया मॉरिसस गैराज की बेजिंग आपको यहाँ मिली जाती है। बाकी भाई अगर आपको गाड़ी परचेज करनी है तो आप मॉरिसस गैराज पा सकते हैं जो हमें कार्ट रोड पर पड़ जाता है, आपको यहाँ गाड़ी पर अच्छा सा डिस्काउंट वगैरह पड़ ही जाता है। तो यही था भाई इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करके आना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।